हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अनुज त्यागी एक बार फिर आप लोग के सामने अपने यूट्यूब मीडिया माध्यम से जुड़ा हूँ। दोस्तों, मैं गुदा रोग विशेषज्ञ छाछ चिकित्सक हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुदा रोगों में अवेयरनेस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। गुदा रोगों की अवेयरनेस के लिए हम लोग ये वीडियोज़ बार बार अपने लोगों तक पहुँचा रहे हैं। बहुत समय निकालने के बाद में जैसे तैसे करके हम लोग ये आप लोग को वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ आप इनको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि वीडियोस को जब हमने पिछले मंथ का एनालिसिस किया तो उसमें 92% लोग जो हैं आए, उन्होंने वीडियो देखी और वो लोग निकल गए। लेकिन या तो किसी शर्म की वजह से, और ये देखिए मतलब उन्होंने देखा नहीं, देख करके भी उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, या शायद हो सकता है कि उनके मन में कोई झिझक हो या शर्म हो कि अगर हमें ये चैनल सब्सक्राइब के हमारे किसी ने देख लिए तो हमें कोई क्या बोलेगा। जबकि हमारी पहली बात हुई है कि ये जो बीमारी है ये 10 में से पहले 4 लोगों को, 5 लोगों को, 6 लोगों को मिलती है। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप लोगों तक जो है वो जानकारी पहुँच सके। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कि क्या बच्चों में भी गुदा मार्ग की बीमारियाँ होती हैं? बच्चों में अगर वो गुदा मार्ग की बीमारियां होती हैं तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं, ज़्यादा चांस कौन सी बीमारी होने का है, तो उसी में हम लोग डिटेल्स में आज लोग बात करेंगे। दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, बच्चों में इन्फेंटाइल के बाद में एक बीमारी इम्परफोरेटेड एनस मिलता है। इम्परफोरेटेड एनस का मतलब होता है कि गुदा मार्ग में जब बच्चे ने जन्म लिया नवजात शिशु में, तो उसका गुदा मार्ग जो है उसमें कोई एनाटॉमिकल ही दिक्कत हो और गुदा मार्ग में उसका छेद जो होता है, एनस का जो होल होता है वो है ही नहीं। तो उस होल को जो सर्जन लोग हैं जब देखते हैं कि मरीज को जो है दिक्कत हो रही है, बच्चे को मल पास नहीं हो रहा है और उसमें पेट फूल रहा है, और हालांकि ये परेशानी जब बच्चा पीडियाट्रिक डॉक्टर के हाथ में आता है तभी तुरंत ही उसको जो उसका पेट साफ करते हैं नली से, उसी ट्यूब के माध्यम से हम लोग उसको गुदा मार्ग से उसकी एनल ओपनिंग प्रॉपर क्लियर है या नहीं है तो एनएस से भी उसको डाल करके डॉक्टर्स जो हैं वो चेक कर लेते हैं, और उसमें फीकल मैटर यानी कि पॉटी में जो है उसमें लड़ी, उसमें जो आपकी आपकी ट्यूब है उसमें लग करके आ जाती है और वो मल का कन्फर्मेशन हो जाता है कि रेक्टम और एनएस आपकी जो लेटिंग का रास्ता है, एनल कैनाल, वो सब चीज़ें बराबर हैं, ठीक हैं। लेकिन अगर वहाँ पर कहीं कोई डाउट है कि वो नहीं जा पा रही है या फिर कोई दिक्कत लगती है तो बच्चा अब पीडियाट्रिक फिजिशियन के से शिफ्ट हो जाता है पीडियाट्रिक सर्जन के अंडर में। तो ऐसी स्थिति में ये दिक्कत नवजात शिशु में इम्परफोरेटेड एनस की आती है। इस बीमारी से अब आगे बात करते हैं कि आगे क्या होता है। तो उसमें सर्जरी जब हम लोग प्लान करते हैं, जो डॉक्टर हैं इसमें पीडियाट्रिक सर्जन इसकी सर्जरी करते हैं, तो ऐसे में क्या किया जाता है कि उसमें गुदा मार्ग का जो एक एनल का जो पिट मिलता है कि हाँ भाई यहाँ पर एनस होनी चाहिए थी, उसका जो एक पिट मिलता है उसके उसको वहाँ से ओपनिंग बनाई जाती है और लेटरिन के रास्ते को तैयार किया जाता है। फिर भी एक आर्टिफिशियल ओपनिंग करके उसको कंप्लीट किया जाता है एनल ओपनिंग को, और वहाँ से उसको सर्जरी के बाद में ड्रेसिंग्स वगैरह चलती हैं, समय के साथ में वो बच्चे का जो एनल कैनाल है वो तैयार हो जाता है। तो वहीं पर कई दफ़ा वहीं पर इस तरह के होते हैं कि उस बच्चे की जो एनल के रास्ते के लेटरिन के गुदा मार्ग के छल्ले हैं वो भी पूरी तरीके से तैयार नहीं होते हैं। तो ये जो दिक्कतें हैं अक्सर नवजात शिशु के होने के बाद पहले कुछ ही 2-4 दिनों में ही माँ बाप को और डॉक्टर को पता चल जाता है। लेकिन अगर एनी हाउ आप कहीं गांव में, देहात में या कहीं दूर दराज में बैठे हुए हैं और आपको इस जानकारी के बारे में नहीं पता था, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने कभी ऐसा कोई बच्चे के बारे में सुना है कि किसी इम्परफोरेटेड एनएस वाला बच्चा आपने सुना। तो ये हमारी सबसे पहली वीडियो हुई कि जिसमें हम लोगों ने बात की कि इम्परफोरेटेड एनएस यानी कि गुदा मार्ग का ना होना नवजात शिशु में, और उसका इलाज और उसके उपचार के बारे में हम लोगों ने बात की, कैसे उसको चेक किया जाता है हम लोगों ने उसके बारे में भी बात की। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको दूसरे लोगों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला भी बढ़ता रहे और मैं वीडियोज़ आप लोगों तक शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।